नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है, दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके अफिलेटेड कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे हैं, कौन से कोर्सेज में, LLB एंड जो है LLM में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं कि सर जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और अलॉटमेंट लेटर भी आ चुके हैं, अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का जो है डेट भी आ चुका है कि कब से है, तो आप ये बता दीजिए कि जो है मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है मतलब एडमिशन नहीं लेगी, आपको जो है कहेगी वापस कर देगी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रहे हैं कि सर मेरे पास प्रेजेंट है माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन की दिक्कत ज़्यादा हो रही है और मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास जो है लास्ट ईयर जो ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट नहीं है, यही सब सारी चीज़ें जो है दिक्कतें जो है लोगों के साथ हो रही है। तो देखिए आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, देख सके लोगों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से बेनिफिट होगा। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जरूर ज्वाइन होगा, मेरा नंबर लिख लीजिए 7985535991 पर, इस पर कॉल मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। बाकी कोई दिक्कत होगा इस पर कॉल मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक, एनी टाइम, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रहता मुझे, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो है कॉल को रिसीव करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ तो बाद में देता हूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसकी रिप्लाई ना गया हो, और ऐसा कोई जो है व्हाट्सएप पे जो कमेंट किया है, जो मैसेज किया, करीबन 1-2-3 हज़ार तो डेली आते हैं इस समय, तो उनके भी मैं जो है जवाब देता हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जिसके जो है कमेंट का जवाब ना मिला हो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जो है कि क्या सर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे हम, क्या मुझे जो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, बच्चे इससे लेकर के बहुत परेशान है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे बहुत से बच्चे जो है कह रहे हैं मेरे पास सर माइग्रेशन नहीं, अब क्या करूं, माइग्रेशन नहीं है तो यूनिवर्सिटी वापस कर देगी और ज़रूरी भी है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास सर जो है लास्ट ईयर की जो है मार्कशीट नहीं है ग्रेजुएशन की, ये है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अब तो यूनिवर्सिटी वापस कर देगी। तीसरा क्या है कि जो है करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है बहुत लोगों के पास। ठीक, और चौथा क्या है, TC नहीं है बहुत लोगों के पास। ये सब क्वेश्चंस हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के जिसके पास जो नहीं है, अब आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके पास क्या नहीं है। अब ऐसे तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि कई लोग हैं, तो कैसे मैं बता दूं कि जो है आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए मैं मोटा मोटा जो जिस पे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं ज़्यादा तर्क के जो है उसी के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट तो सबके पास होगा, प्रोविजनल लेटर सबके पास होगा, फिर रिसीव सबके पास होगा, यही सब लग रहा है। बाकी यही सब 3-4 डॉक्यूमेंट में दिक्कतें होती है, 3-4 फोटो आपके पास होंगे, आधार कार्ड आपके पास होंगे, ये सब तो होगा ही, ID कार्ड आपके पास होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, तो इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए आपको बता दूं सीधा सीधा कि अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप जाइए और वहाँ पर जो है अंडरटेकिंग में आपको बताया जाएगा कि जो है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन आप जो जितना भी टाइम मांगेंगे उस हिसाब से जो है, उतना लंबा नहीं कि 2-3 महीने जो है टाइम मांग लेंगे, 3-4 महीने नहीं मिल बचेगा, 3-4 महीने नहीं मिलेगा टाइम, चाहे आप किसी अफिलेटेड कॉलेज में लीजिए चाहे आप मेन कैंपस में, आपको टाइम इतना मिलेगा जो कि एक लिमिट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको जब तक जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जब तक जो है एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल होता है, तब तक आपको टाइम दे दिया जाता है, मतलब 10 से 15-20 दिन। एक क्लास स्टार्ट होगा तुरंत डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, अभी नहीं है कोई बात नहीं, आप जाइए बेझिझक जाइए, बता दीजिएगा सर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, और नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिए अपने जो है यूनिवर्सिटी में। माइग्रेशन तो अब ऑनलाइन हो चुका है, जो भी स्टूडेंट 2016 के जो है पहले जो 2016 के जो है बात किए हैं ग्रेजुएशन उसके पहले की है तो उनका जो है नहीं है, अब सब यूनिवर्सिटी ले रही है, एंड जो आप ऑनलाइन करिए, यहाँ से ऑनलाइन करने के बाद 2-4 दिन में निकल जाएगा। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट की हुई तो आप अपने कॉलेज में जहाँ पढ़ते थे वहाँ जा करके बनवा लीजिए, मोहर और ये सब सारे साइन ही तो लगेंगे, उतना बड़ा काम नहीं है, आप लोग जाइए अपने कॉलेज पर अपने जो है यूनिवर्सिटी में बनवाइए, बताइए कि सर मैं एडमिशन ले रहा हूँ, मैं जो ज़रूर जो है मुझे प्रूव करिए। ठीक, वो लोग सुझाव वो लोग जो है उपाय बताएंगे आपको, तो जल्द से जल्द सारी चीज़ें बनवा लीजिएगा। बाकी अब नहीं है तो डरिएगा मत, आप जाइए यूनिवर्सिटी में, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेझिझक जाइए, ये मत सोचिए कि नहीं है सर, नहीं है सर, कांप रहे हैं, डर रहे हैं और पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो लाया हूँ। ठीक, तो जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी, आप लोग जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से नहीं है या और भी जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है
तो आप लोग के जो है यूनिवर्सिटी टाइम देगी आपको जो है 8 दिन 10 दिन 7 दिन जो भी होगा आप लोग जितना भी मांगेंगे, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको डॉक्यूमेंट ले जा करके जो है जमा करना होगा। तो क्लासेस आपकी जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 20 तारीख से बाद ही स्टार्ट होगी, जब जैसे स्टार्ट होगी मैं बताऊँगा अपडेट करूँगा ठीक। तो आपको करीबन 7 से 8 दिन जो है टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि इधर जो प्रोसेस चल रही है सेकंड आएगा थर्ड आएगा ये सब अलाटमेंट आएगी तो दिक्कतें होंगी, तो इसलिए कम से कम 8-10 दिन तो लग ही जाएगा इन सब प्रोसेस में। तो 20 के बाद ही जो क्लासेस स्टार्ट होगी, तो इसलिए इतना टाइम मिलेगा तो इतने में आप लोग बनवा लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जानकारी पसंद आई हुई तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत आपको पता चला होगा चेहरे से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। भाई बच्चे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जा करके पूछना, ये सब सारी चीज़ें करना है तो बनता ही है, आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ।